अगर जो दाखिल बच्चे होते हैं उनकी तस्वीरें बहुत से लोग लेके फिर ग्रुप के अंदर डालते हैं, शेयर कर रहे होते हैं। बहुत से लोग होते हैं जो अपने सफ़ेद पोशी का भरम रख के हमारे पास छोड़ जाते हैं, यार ये फलां का बच्चा देखो इसका ये यहाँ इजी वालों में डाल रखा है, हमसे तो कह रहे थे हमने तो वहाँ पढ़ा रखे हैं, हमने स्कूल में रखे, हमने वहाँ रखा, तो वो ज़रा गलत हो जाता है। बच्चों की जो तादाद है हमारे पास 48 बच्चे हैं, और अगर एज वाइज से आपने देखे होंगे तो यहाँ 5 साल से लेकर 12-13 साल तक के बच्चे यहाँ पर रहते हैं। इससे ज़्यादा जो बच्चे की एज हो जाती है फिर सुपर हाईवे में हमारा सेंटर वहाँ शिफ्ट कर देते हैं। और जहाँ तक इनके रखने का देखने का केयर का ताल्लुक है, आपने देखो सारा स्टाफ हमारा लेडीज़ ही है, और लेडीज़ ही बच्चों का ख्याल करते हैं यहाँ पर, खाने पीने का, रहने का, स्कूल का, टेलिंग वर्कशॉप का। आप ने शायद नहीं देखा, म्यूज़िक के बच्चे हमारे पास हैं जिनकी ट्रेनिंग होती है, म्यूज़िक की है, मदरसा तालीम वगैरह, ये सारे सारे पूरे ख्याल बच्चों के रखे जाते हैं। और इस तरह के बच्चे हमारे पास यहीं रहते हैंगे, मिसिंग पर्सन के हवाले से बच्चे ज़्यादा होते हैं। बच्चे हैं या ख़वातीन हो या बुज़ुर्ग हों, ये फाउंडेशन हमारा किसी को तलाश नहीं करता, उनके एड्रेस मिलने के बाद उनके एड्रेस को तलाश करते हैं, मगर किसी को इदारा हमारा ऐसे नहीं उठाता। बच्चे हमारे पास जो आते हैं मुख्तलिफ थानों के ज़रिए आते हैंगे, या इंसानी हमदर्दी में अगर आपको कोई बच्चा मिल गया है तो आपने पहले अपने तौर पर तलाश किया उसके एड्रेस को, अगर वो नहीं मिलता फिर वो ईदी फाउंडेशन के हवाले कर देते हैं। तो इस तरह बच्चे हमारे पास आते हैं मिसिंग के हवाले से। और एक बच्चे वो होते हैं हमारे पास हैं जिनके पेरेंट्स यहाँ छोड़ जाते हैं, जिनकी माँ है, बाप नहीं है, बाप है तो माँ नहीं है, कुछ बच्चे इस तरीके से उसमें यहाँ पर हमारे पास मौजूद हैं। यानी इसी हम सिर्फ 5वें महीने का अगर हम रखेंगे, 5वें महीने में हमारे पास तकरीबन 20 से 25 बच्चे आए हैं, और तकरीबन उसमें से सब 2 या 3 बच्चे जो नहीं जा सके सब चले गए बच्चे, यानी कि 5वें महीने की बात कर रहा हूँ मैं आपको। इस तरह बच्चे ही हमारे पास जब मिलते हैं ना, बच्चे की फाइलें होती हैं, अब ये बच्चा हमारे पास ये इसके थाने के अंदर आप ये देख रहे हैं, ये बच्चा उसकी पिक्चर उसकी मौजूद है, ये मुख्तलिफ थाने, ये थाने के जरिए से मिला बच्चा। अब जब ये मिला बच्चा मिला तो उसके हाथ के ऊपर भी उसके जलने वलने का निशान था उसका, वो निकल गया था गुम मिसिंग के हवाले से। बच्चा थाने के मार्फत से आता है और थाने ही के मार्फत बच्चे को डिस्चार्ज किया जाता है, पेरेंट्स के हवाले किया जाता है, बच्चा माँ बाप के अलावा और किसी के हवाले नहीं करते। और जब तक है थाने का लेटर, जिस थाने से बच्चा आए और उसी थाने का लेटर होता है, फिर बच्चा उनके हवाले किया जाता है। हम मिसिंग पर्सन के हवाले से बच्चों की तस्वीर लेने से मना नहीं करते। अगर जो दाखिल बच्चे होते हैं उनकी तस्वीरें बहुत से लोग लेके फिर ग्रुप के अंदर डालते हैं, शेयर कर रहे होते हैं। बहुत से लोग होते हैं जो अपने सफ़ेद पोशी का भरम रख के हमारे पास छोड़ जाते हैं, यार ये फलां का बच्चा देखो इसका ये यहाँ इधी वालों में डाल रखा है, हमसे तो कह रहे थे हमने तो वहाँ पढ़ा रखे हैं, हमने स्कूल में रखा, हमने वहाँ रखा, तो वो ज़रा गलत हो जाता है। बस मिसिंग पर्सन के हवाले से जितने मर्जी आए तो बच्चों की पिक्चर आप शेयर करें, भेजें, किसी उसमें रखें, उसमें रहता है। उसके हवाले से अगर हमसे पूछेंगे हम बता दें कौन से बच्चे हैं मिसिंग, हम आपको बिठा देंगे, तस्वीर बना के रखें, वह इस चीज़ों में हमारी मदद करें, हेल्प करें। बस डोनेशन के हवाले से देखें, अभी कुर्बानी के दिन आ रहे हैं और लोग कुर्बानी के जानवर ज़िबा करते हैं, हमारे यहाँ भी यानी कि ज़िबा किए जाते हैं जानवर, आप चाहें तो इस सिलसिले में मदद कर सकते हैं, खालों के सिलसिले में मदद कर सकते हैं। कराची में जगह जगह हमारे सेंटर मौजूद है, किसी भी सेंटर पर जाकर आप अतियात दे सकते हैं, खाले दे सकते हैं। और आपको पता ही इस तरह के जो इदारे हमारे पास हैं, हम ज़्यादातर कोशिश हमारी होती है भीख रोटों पे खड़े होकर लंगर खिलाने से बेहतर है। इस तरह जैसे आपने बच्चों का हमारा सेंटर देखा, ख़वातीनों को देखा, ईदी बिली सुपर हाईवे पर हमारे तकरीबन 1200 अफराद हैं, ख़वातीन के अंदर जाएँ नागन चौरंगी पर 1600 ख़वातीन हैं वहाँ पर। इसी के ओल्ड हाउस हमारे अलग हैं, बच्चों के अलग हैं, ज़हनी मरीज़ बच्चों के अलग हैं, मंशा ड्रग एडिक्ट के अलग हैं। तो इस तरीके से 6-7 हज़ार अफराद हमारे जो दाखिल हैं, तो ये सारी मदद जब डोनेशन होती है, इसे डोनेशन से इदारे चलते हैं, और आप लोग की मेहरबानी होगी जो चलता रहेगा ज़रा। ताज़ा तरीन खबरें, तहकीकाती रिपोर्ट्स और स्टॉक मार्केट के हालात, खेलों की खबरें, शोबिज और सोशल मीडिया ट्रेंड्स सिर्फ एक क्लिक की दूरी पर। MM News की एप्लीकेशन डाउनलोड करें और बाखबर रहें।